लंबी रूट को लेकर डेयरी विभाग क्या कर रहा है पशुपालकों के लिए? लंपी रोग जो आजकल अपने क्षेत्र में या राजस्थान में और दूसरे राज्यों में जो फैला है, तो पाली में जो संघ की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, सभी काश्तकारों को इस रोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये लंपी रोग पशुओं में ज़्यादातर ये गायों में होता है, आनुपातिक रूप से पाली में ये कम है। लंपी रोग के बचाव के लिए जो आयुर्वेदिक का जो बचाव के साधन दिए हैं, जैसे बिटगरी का मोल बना के नीम के पत्ते वगैरह सब के साथ गांव की सफाई करना, पशुओं को स्नान कराना, सोडियम हाइपोक्लोराइट के सोल्यूशन का छिड़काव करना, और इसके अतिरिक्त जो पशु बीमार है उसको आइसोलेशन में अलग से रखना स्वस्थ जानवरों से, इसके लिए संघ स्तर पे पैम्पलेट छपाकर सब समितियों को भिजवाए गए हैं, वहाँ जाके जागरूक किया है, एवं गोट बॉक्स का इंजेक्शन वैक्सीन हमने अपने स्तर पर खरीदने के लिए इंडियन इम्यूनोलॉजी को ऑर्डर दिया है। 10,000 वैक्सीन इसी सप्ताह हमें प्राप्त हो जाएगी। ये वैक्सीन इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कारगर है, तो संघ स्तर पर सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों को पूरा जागरूक किया जा रहा है, और अपने क्षेत्र में इस लंपी रोग की वजह से दुग्ध उत्पादन या दुग्ध संकलन में कोई विशेष कमी नहीं आई है।